नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीष कुमार तिवारी, द फाउंडर ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले आप सबों का स्वागत करता हूं इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मुझे आपसे कुछ मिनट के लिए बात करनी है। हाल ही फिलहाल में आपको किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्लान दिखाया था और आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि ये जोड़ने का काम है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। मैंने कई लोगों से मुलाकात की है, कई लोगों से मैं मिल चुका हूं जो ऐसा कहते हैं कि जोड़ने का काम है, मुझसे नहीं होगा। जरा ध्यान से सोचिए कि इस दुनिया में अगर वाकई कुछ बढ़िया करना है तो जोड़ना होगा या तोड़ना होगा। बहुत ध्यान से सोचिए और जवाब दीजिए कि अगर आपको कुछ भी बढ़िया बनाना है, एक घर बनाना है, तो उसमें ईंटों को जोड़ना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है? आप कहीं भी कुछ भी उठा के दे, एक एक गार्डन बनाना आपको, वहां फूलों को, पौधों को जोड़ना होगा या तोड़ना होगा? इस दुनिया के अंदर अगर कुछ भी बेहद खूबसूरत आपको बनाना है तो वहां जोड़ने का काम होता है, तोड़ने का काम नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में जब जोड़ने की बात होती है और आप इससे डरते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं लोगों को जोड़ दूंगा तो मेरे संबंध टूट जाएंगे। अगर मैं लोगों को किसी विचारधारा से, किसी कंपनी से या किसी भी ऐसी चीज से जोड़ दूंगा तो वो जुड़ तो जाएंगे लेकिन हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं। एक बात बहुत गौर से समझ जाइए, डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं। अगर कोई चीज, मान के चलिए कि कोई भी चीज जो 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए की कोई चीज है और अगर आप उसके बदले में मुझसे 3,000 4,000 या 10,000 रुपए ले लें और मैं आपके कहने से दे भी दूं तो डेफिनेटली हो सकता है कि हमारे रिश्ते वैसे ना रहे, क्योंकि 300 की चीज मान के चलिए या 30 रुपए की चीज आप उसके लिए, आपके कहने से मैंने 3,000 रुपए दे दिए। लेकिन अगर कोई भी चीज जो 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए की है और आप उसके लिए मुझसे 30 रुपए 40 रुपए या 50 रुपए के अंदर मांगते हैं और मैं देता हूं और मुझे वो चीज बढ़िया लगती है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, तो हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, ना कि टूट जाएंगे। देखिए, एक बात बहुत गौर से समझ जाइए, जोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ ऐसा करना है जो लोगों के फेवर में ना हो, आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें सिर्फ आपका फायदा हो। जोड़ने का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें लोगों का भी फायदा है, जिससे लोग सेटिस्फाइड है। अगर लोग किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है और फिर उस चीजों से लोगों को जबरदस्ती जोड़ा जाए तो डेफिनेटली संबंध टूटेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो लोगों के बेनिफिट में है, जिससे लोगों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जो वाकई बेहद बढ़िया चीज है, जो लोग को यूज करना ही है, और तब आप कुछ ऐसा उनको खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए कहते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और उससे अगर उनको जिंदगी में कुछ और बड़ा करने का मौका भी मिलता है तो फिर जोड़ना कैसे खराब है? हम कहीं ना कहीं तो जुड़ के ही हैं। फेसबुक ने क्या किया, इंस्टा ने क्या किया, सारे सोशल मीडिया ने क्या किया, आप देखिए दुनिया एक दूसरे को जोड़ ही रही है और जोड़ जोड़ के ही सब कमा रहे हैं। फेसबुक ने आज अरबों लोगों को जोड़ दिया और डेफिनेटली वो उससे पैसे कमा रहा है। इंस्टा ने भी वही किया, सब वही कर रहे हैं। शादी.com क्या कर रहा है, आप देखिए सब तो जोड़ ही रहे ना, तो जोड़ने वाले तो बढ़िया ही कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर जोड़ नहीं रहे लोगों को, तो जो लोग जोड़ रहे हैं उनके पार्ट तो जरूर हैं, उनका हेल्प तो जरूर कर रहे हैं। आप लोगों को ना जोड़ें, आप लोगों की टीम ना बनाएं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग की एक टीम है फेसबुक, उसके हिस्से तो आप हैं, इंस्टाग्राम के हिस्से तो आप हैं, यूट्यूब के हिस्से तो आप हैं, तो डेफिनेटली आप टीम बनाए ना बनाए लेकिन किसी ना किसी के टीम के पार्ट बन के आप जरूर काम कर रहे हैं। अब बहुत गौर से समझ, जिंदगी में दो तरीके से काम होता है, एक अकेले और एक मिलके। या तो इंडिविजुअल काम कीजिए और या तो टीम वर्क के साथ काम कीजिए। आप मुझे बताइए कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो इंडिविजुअली काम करना चाहिए या टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए? बहुत गौर से समझिए, अगर आप अकेले काम करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका टैलेंट है, लेकिन अगर आपके साथ 10 लोग 20 लोग 30 लोग 40 लोग 50 लोग काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उतना मिल सकता है जितना उन सबका टैलेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको सिर्फ अपने काम का फायदा नहीं मिलता, आपको सबके काम का फायदा मिलता है। लेकिन अब अगर आपको डर लग रहा है कि आपको जोड़ना नहीं है, तो मुझे बताइए कि आप बिना जोड़े आपकी जिंदगी चल सकती है क्या? आपको लगता है कि जब से आप पैदा हुए हैं और अभी तक आपने किसी को अपनी जिंदगी में नहीं जोड़ा, किसी को दोस्त नहीं बनाया, किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, कोई रिश्ता नहीं बनाया, क्या ऐसा हुआ है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने दुकानों से आज तक आपने खरीदारी की है वहां से कोई रिश्ता ना बना हो? आपने कई रिश्ते बनाए हैं, कई लोगों को जोड़ा है। हां, डेफिनेटली वहां एक ऐसा सिस्टम नहीं था जहां जो भी लोग जुड़े उस सिस्टम से एक दूसरे को फायदा हो, फाइनेंशियल बेनिफिट हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन आज आपको एक ऐसा सिस्टम मिला है जहां लोगों के जुड़ने से, आपस में एक दूसरे के जुड़ने से एक दूसरे को फायदा होता है, एक फाइनेंशियल बेनिफिट सबका है।
तो आप डरते हैं क्योंकि पहले वहां नहीं था, यहां एक फाइनेंशियल बेनिफिट है, तो आपको लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपने फायदे के लिए लोगों को तो नहीं जोड़ रहा। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपको लगता है कि आपके सगे संबंधी या आपके दोस्त या आपके जितने भी और जानने पहचानने वाले लोग हैं उनके पास वो सब कुछ है जो वाकई वो पाना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि उनके पास भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि उनके भी बहुत सारे सपने जो अभी पूरे नहीं हुए? और क्या आपको लगता है कि उनके जीवन में पैसों का अब कोई महत्व नहीं है या पैसों की कोई जरूरत नहीं है और उनको और कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जोड़ने का मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जोड़ना नहीं होता, जोड़ने का मतलब होता है लोगों की सहायता करना, जोड़ने का मतलब होता है लोगों को एक अवसर देना, जोड़ने का मतलब होता है कि वो सपने जो वाकई उनको नहीं लगते कि कभी पूरे होंगे उन सपनों तक उनको पहुंचाने में उनकी मदद करना। जोड़ना खराब कब है? अरे समाज को तोड़ने वाले, समाज को लीड करे ये बढ़िया है, और समाज को जोड़ने वालों को गाली दिया जाए और सिर्फ इस बात में कि जोड़ना है किसी चीज को नकार दिया जाए, क्या ये सही है? समाज को तोड़ के आज लोग न जाने क्या से क्या कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है कि एक सिस्टम है जो देश को चलाता है और वहां जो कुछ लोग होते हैं वो तोड़ने का ही काम करते हैं, जोड़ने का काम तो बड़ा कम करते हैं, लेकिन एक नेटवर्कर होते हैं, एक ऐसे लोग हैं जो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, जहां कोई जाति कोई धर्म कोई चीज नहीं देखी जाती, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, जहां हर तरीके के लोगों को एक साथ जोड़ के और उनको आगे बढ़ाया जाता है। कहां से गलत है जोड़ना? मैं बस आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी और अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं या फिर औरों की भी मदद करना चाहते हैं? और दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है जिससे आप वाकई किसी की मदद कर पाए? और क्या आपको नहीं लगता कि पैसा वाकई हर समस्या की जड़ है? आज अगर किसी परिवार में वाकई समस्याएं हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उन समस्याओं के जड़ में कहीं ना कहीं पैसा छुपा हुआ है? आर्थिक तंगी है, आर्थिक समस्याएं हैं, क्या आपको नहीं लगता? अगर आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है तो एक बार मैं आपसे फिर से कहूंगा, दोबारा सोचिए कि हम जोड़ने में इतने डरते क्यों हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आपसे यह कहूंगा कि किसी भी ऐसी चीज से ना खुद जुड़िए और ना लोगों को जुड़िए जिससे आपका मन सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा है जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, कुछ ऐसा है जो अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं पैसों के बदले तो आप सेटिस्फाइड हैं, आपको बढ़िया महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली आप औरों को भी बढ़िया ढंग से बता पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन ही संतुष्ट नहीं है तो आप दूसरों को कैसे जोड़ने के लिए कह सकते हैं? आप अच्छे इंसान हैं इसलिए आप जोड़ने से डरते हैं, मुझे ये पता है। आप कहीं ना कहीं अच्छे इंसान हैं इसलिए आप जोड़ने से डरते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो लोगों का मिसयूज नहीं करना चाहते, वो अपने संबंधियों का अपने रिश्तों का गलत फायदा नहीं उठाना चाहते, आप उन्हीं में से हैं। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, ये एक बड़ा अवसर है, ये एक प्रूवन सिस्टम है, ये एक लीगल सिस्टम है। और हाँ, हो सकता है कि कुछ बुरे अनुभव आपके या फिर आपके सगे संबंधियों के पास हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बार किसी की जिंदगी में बुरा हुआ हो तो हमेशा हो। जरूरी नहीं है कि एक दोस्त ने धोखा दिया हो तो दोस्ती से विश्वास उठा दिया जाए, जरूरी है बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ऐसी कुछ चीजें आपके साथ भी हुई हो, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि ये एक अमेजिंग इंडस्ट्री है। जिसने भी आपको बताया है एक बार उनसे फिर से बात कीजिए, फिर से सोचने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बड़ा पावर है और अभी इस देश के लिए इस से बड़ी उम्मीद और कहीं नहीं है। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। और हां, अगर आप नेटवर्क मार्केटर हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मेरा एक रेसिडेंशियल एमएलएम मास्टरी वर्कशॉप होने वाला है आगरा के अंदर 5-स्टार होटल रामडा में। क्या है सारी चीजें, वो नंबर जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है उस पे कॉल करके पता कीजिए। और अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो बहुत कम सीट्स हैं, जल्दी से अपनी सीट को बुक करना होगा ताकि आप उस MLM मास्टरी वर्कशॉप जो कि 3 दिनों का है, 22, 23, 24 दिसंबर आप आके हमारे साथ रह के सारी चीजें सीख पाए। बाकी मैं आपका इंतजार करूंगा आगरा के अंदर। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इसको और भी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू।